आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं पंद्रह से अठारह वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें सुरक्षित रहने के लिए इन तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार शून्य सात पांच पर संपर्क करें अब इस बुलेटिन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री कल तेईस फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे देश भर में आज से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम मनाया जाएगा प्रदेश के मौसम में हो रहा है बदलाव दिन के तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी और इंदौर में फिल्मी हस्तियों पर लगाई जा रही है डाक प्रदर्शनी अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यानी तेईस फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे मुख्यमंत्री छब्बीस हजार पांच सौ आवास हितग्राहियों के खातों में ढाई सौ करोड़ रुपए की किस्त जमा करेंगे साथ ही पचास हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश और तीस हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कुल आठ लाख अड़सठ हजार आवास स्वीकृत है अभी तक चार लाख बहत्तर हजार आवासों का काम पूरा हो चुका है कार्यक्रम में एक लाख छह हजार पांच सौ आवासों के हितग्राही लाभान्वित होंगे जिनके आवासों की कुल लागत इकतालीस सौ करोड़ रुपए है गौरतलब है कि आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास तीन लाख पचासी हजार रुपए है इसमें डेढ़ लाख रुपए केंद्र सरकार और एक लाख राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार आज से एक सप्ताह तक देश के पचहत्तर स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम आयोजित कर रही है ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त लेह श्रीनगर पोर्ट ब्लेयर लक्षद्वीप के कवारत्ती अहमदाबाद दमन, ईटानगर कोहिमा और आइजोल में आयोजित किया जाएगा उद्घाटन समारोह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा इस कार्यक्रम में देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल का प्रदर्शन होगा जिसने रक्षा अंतरिक्ष स्वास्थ्य कृषि खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने में मदद की है देश में 175 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 32 लाख से अधिक टीके लगाए गए स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक लोगों को इक्यानवे लाख से अधिक एहतियाती डोज भी दी गई है बड़वानी के नगर निकायों में रिक्त पार्षदों के उपनिर्वाचन में नाम वापसी के अंतिम दिन छह लोगों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए इसके कारण सेंधवा के वार्ड क्रमांक तेरह में एक उम्मीदवार शेष रहने के कारण यहां पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बन गई है जबकि सेंधवा के ही वार्ड क्रमांक नौ में दो नामांकन वार्ड क्रमांक बीस में दो नामांकन वार्ड क्रमांक तेईस में दो नामांकन शेष रहने से वहां पर मतदान होगा हमारे बड़वानी संवाददाता ने बताया है कि बड़वानी के वार्ड क्रमांक तेरह में तीन नामांकन अंजड़ के वार्ड क्रमांक सात में दो खेतिया के वार्ड क्रमांक ग्यारह में दो शेष रहने से इन वार्डो में भी मतदान 6 मार्च को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 मार्च को सुबह नौ बजे से होगी कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं, दो गज़ दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मुंह साफ रखें ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलग हुए क्षेत्रों दोनिक्तर और लोहानस की स्वतंत्रता को मान्यता देने के शासनादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं उन्होंने देर रात टेलीविजन पर संबोधन में इसकी घोषणा की इससे पहले पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रा और जर्मनी के चांसलर ओलाव शोल्स के साथ फोन पर बात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वे दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले शासनादेश पर हस्ताक्षर क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने पुतिन के इस निर्णय पर असंतोष व्यक्त किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन से अलग हुए क्षेत्रों को रूस की मान्यता की कड़ी निंदा की है और इसे यूक्रेन की संप्रभुता और एकता का घोर उल्लंघन करार दिया है प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई वेदर सिस्टम फिलहाल सक्रिय नहीं है हवाओं का रुख बदलने और दिन में धूप खिलने से अब प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने लगी है रात्रि में न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है इंदौर डाक विभाग भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर की स्मृति में आज से बारह दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है इंदौर के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ब्रजेश कुमार ने बताया कि पांच मार्च तक आयोजित इस प्रदर्शनी में सुश्री लता मंगेशकर के अलावा फिल्म जगत की हस्तियों पंडित रविशंकर पंडित भीमसेन जोशी एमएस सुबलक्ष्मी सत्यजीत रे बिस्मिल्ला खान पर जारी डाक टिकट प्रदर्शित किए जाएंगे नागरिक दादा फाल के पुरस्कार प्राप्त हस्तियों संगीतकारों गायकों और अदाकारों के साथ साथ भारतीय सिनेमा के पचहत्तर वर्ष और सौ वर्ष पर जारी विभिन्न डाक टिकट प्रथम दिवस आवरण और विशेष आवरण का अवलोकन कर सकेंगे सोशल मीडिया पर एक भ्रामक दावे का प्रचार हो रहा है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में वोट न डालने वालों के बैंक खातों में से साढ़े तीन सौ रूपए काट लेगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है पत्र सूचना कार्यालय ने सभी लोगों से ऐसे भ्रामक संदेशों को साझा न करने की अपील की है अब कुछ समाचार संक्षिप्त में रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े पांचवे और अंतिम मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है आगरमालवा जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पल्स पोलियो अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाये केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज भोपाल प्रवास पर आएंगे इंदौर जिले के ग्राम रंगवासा में आजादी का अमृत महोत्सव अन्नदाता देवो भवह के तहत खेत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया केंद्रीय कृषि मंत्रालय के क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर के विशेषज्ञों ने इस दौरान किसानों को जैविक खेती करने के तौर तरीके समझाये इंदौर जिले में 27 फरवरी को पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा स्वास्थ्य विभाग ने अभियान में पांच लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है खंडवा में धुनी वाले दादाजी के शिष्य श्री हरिहर भोले भगवान छोटे दादाजी महाराज का बरसी उत्सव कल उत्साह से मनाया गया मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधिक साक्षरता जानकारी के लिए एक आयोजन किया गया कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को विधिक जानकारी के साथ ही साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश के बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने कल मंत्रालय में बांध सुरक्षा संबंधी बैठक में इस आशय के निर्देश दिए और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया है कि जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक मनोरंजन कक्ष तैयार कराया जाएगा इसमें खेल गतिविधि कैफेटेरिया लाइब्रेरी से लेकर टेलीविजन रूम जैसी सुविधाएं होंगी उन्होंने साउंड और सिक्योरिटी सिस्टम और फायर सेफ्टी सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने को भी कहा है अंत में मुख्यमंत्री कल तेईस फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे देशभर में आज से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम मनाया जाएगा। प्रदेश के मौसम में होने लगा है बदलाव दिल के तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी और इंदौर में फिल्मी हस्तियों पर लगाई जा रही है डाक प्रदर्शनी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही अंत में एक अपील मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार